स्वागत है आपका पावर ऑफ एजुकेशन चैनल में। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था इंग्लिश ग्रामर के दो वीडियोस बनाए थे मैंने, उसमें आपको पढ़ाया था एक पढ़ाया था इंडेफिनिट और एक पढ़ाया था कंटिन्यूस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा परफेक्ट। लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रॉमिस किया से कमेंट भी कीजिएगा तो मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूँगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको मेरी नई वीडियो नहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए आप वीडियो पूरी एंड तक देखना, मेरा दिया हुआ होमवर्क पूरा करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये देखने के बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें जो काम हो चुका होता है, जैसे मैं स्कूल आ चुका हूँ, मैं बैग तैयार कर चुका हूँ, मैं तैयार हो चुका हूँ, मैं टिफिन बना चुका हूँ, जैसे चुका आता है, चुका हूँ, चुका है, तो इन सब में कहते हैं हम लोग, इन सब में हम लोग कहते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव का बॉक्स हमें आता था। सब्जेक्ट डू डज मेन वर्क थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट परफेक्ट में जब परफेक्ट होता है तो उसमें मेन वर्क की थर्ड ही फॉर्म आती है। अब मैं आपको बताऊंगा निगेटिव, मैं आपको उसका सेंटेंस बताता हूँ जो है ना आपको अफर्मेटिव आया कि डू यू, जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, आई के साथ है आता है, यू के साथ है आता है, और जो सिंगुलर होता है उसके साथ आता है हैज, और जो प्लूरल होता है उसके साथ है आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ निगेटिव, निगेटिव में क्या करना है हमको, हमको निगेटिव में हैज के बाद हैव के बाद नॉट लगा देना। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे मैं ये काम नहीं कर चुका हूँ, जैसे मैं पढ़ाई नहीं कर चुका हूँ, तो आई हैव नॉट डन स्टडी, तो ये हो गया निगेटिव का। अब मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव, ओके। और आपको अगर कोई दिमाग में सेंटेंस आ रहा हो तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आपका सही भी हो जाएगा और आपके आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है जो हमको उसको उल्टा कर देना अफर्मेटिव का, हैज हैव हैज हैव सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप बताइए इसका कैसा होगा, जैसे इसका होगा जैसे क्या तुम मैथ जीत चुके हो, नहीं, क्या तुम खाना खा चुके हो, हाँ, क्या तुम खेल चुके हो, नहीं, इसमें हाँ ना बता चलो, मैं पूछूं क्या तुमने खाना खा, क्या तुम खाना खा चुके हो, मैंने चुका लगा दिया ना, तो इसमें लगेगा हैव यू ईटन योर फूड, इसमें ऐसे पूछेंगे। अब मैं आपको बता दूँ डब्ल्यूएच फैमिली का इसका बॉक्स तो आपको बताऊंगा मैं, लेकिन इसका पहले नेम भी बताऊंगा। इसका है डबल इंट्रोगेटिव, उसमें इंट्रोगेटिव इसमें डबल लगा देना है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊंगा अब उसका बॉक्स। पहले हम लोग उसमें डब्ल्यू फैमिली क्या होती है मैंने आपको बताया था वीडियो में, आपको फिर करवाते थे रिपीट। जो डब्ल्यू फैमिली होते हैं व्हाट विच, ये सब जितना भी क्वेश्चन होते हैं व्हाट विच हूज व्हाट, इन सबको मिला के बनता है डब्ल्यू एच फैमिली, जैसे हम सबको मिला के फैमिली बनती है। और उसके बाद कुछ नहीं इंट्रोगेटिव तरह है, डब्ल्यू एच फैमिली हैज हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, तो ये थी फिर ऑब्जेक्ट, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को समझ ना आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये वीडियो फिर बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी आपके दोस्त के लिए अच्छी है, उसके काम के लिए अच्छी है, तो आप उसको जरूर शेयर करेगा एंड कमेंट ऑल्सो। Thank you for watching.